दुनिया जहां ने चाहे कितनी भी तरक्की क्यों ना कर ली हो, फिर भी आज सेक्स को एक हवा ही माना जाता है। सेक्स से संबंधित समस्याओं पर शर्म और संकोचवश कोई खुलकर बात ही नहीं करता, जिसकी वजह से उसका जीवन दिनों दिन अंधेरे में घिरता चला जाता है। इस अंधेरे में उजाले की किरण बनकर आपकी सेक्स संबंधी समस्याओं का समाधान करेंगे अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त यौन रोग विशेषज्ञ डॉक्टर एस के जैन। के संचय करना ज्ञान और सद्गुण अपनाना, संचय करना ज्ञान और सद्गुण अपनाना और निज शरीर को तुम्हें खूब है स्वस्थ बनाना। देखिए सेक्स एजुकेशन एंड योर क्वेरीज रोजाना। यौन रोगों से मुक्ति मिली है, जीवन में सुख शांति मिली है, बर्लिंगटन क्लिनिक याद रहेगी, जिससे जीवन को नई दिशा मिली है। डॉक्टर एस के जैन बर्लिंगटन क्लिनिक लखनऊ से तो आप वाकिफ ही हैं। जिंदगी के कल के वे हसीन पल बने रहेंगे आज और बने रहेंगे कल, जीवन की फिर एक नई शुरुआत डॉक्टर एस के जैन के साथ। नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम सेक्स एजुकेशन एंड योर करीज में। मैं हूं असलम रजा आबिदी। दोस्तों, अगर किसी तस्वीर में रंग ढंग से ना भरा जाए तो उसमें निखार नहीं आता, उसकी खूबसूरती कम हो जाती है। इसी तरह अगर किसी मिट्टी के घड़े को ढंग से ना बनाया जाए तो उसका आकार बिगड़ जाता है। ढंग बहुत जरूरी है, यानी शिक्षा। हमें हमारे जीवन में सारी बातों की जानकारी दी जाती है, लेकिन जब बात आती है सेक्स की तो इसको नजरअंदाज कर दिया जाता है। हमारा यह कार्यक्रम कोशिश है, एक कदम है कि समाज में फैल रही सेक्स से जुड़ी भ्रांतियों को हम दूर करें और सेक्स के बारे में एक सही एजुकेशन, एक सही जानकारी इस कार्यक्रम के माध्यम से आप तक पहुंचाएं। और इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में है मशहूर साइको सेक्सोलॉजिस्ट डॉक्टर एस के जैन। सृष्टि के आरंभ से ही मनुष्य की चाहतें, उमंगें और जरूरतें उसके साथ चली हैं। इन स्वाभाविक जरूरतों में सबसे प्रमुख है सेक्स, यानी एक आनंदपूर्ण सामाजिक जीवन। इसलिए जरूरी है कि हमें सेक्स के प्रति सही जानकारी मिले और गलत उपायों से हम अपना जीवन नष्ट ना करें। कुछ इसी तरह का कार्य कर रहे हैं इस विधा के पुरोधा भारत के शीर्ष साइको सेक्सोलॉजिस्ट डॉक्टर एस के जैन। आपने सन 1974 में लखनऊ विश्वविद्यालय से बैचलर ऑफ आयुर्वेदा विद मॉडर्न मेडिसिन एंड सर्जरी की उपाधि प्राप्त की। इसी के साथ आपने अपने टैलेंट और लगन के बलबूते पर लंदन से MRSH जैसी प्रतिष्ठित संस्था की सदस्यता प्राप्त की। डॉक्टर एस के जैन ने प्राचीन आयुर्वेद पद्धति के साथ आधुनिक चिकित्सा प्रणाली का मिश्रण करते हुए बर्लिंगटन क्लिनिक प्राइवेट लिमिटेड की स्थापना की। इस क्लिनिक के द्वारा एक ही छत के नीचे प्राचीन और मॉडर्न टेक्नोलॉजी द्वारा आम लोगों को उनकी सेक्स समस्याओं से मुक्ति देते हैं। और इस कार्य में डॉक्टर जैन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर साथ देती है उनकी मेहनती व सेवाभावी रिसर्च टीम। डॉक्टर जैन को इन्हीं प्रयासों के कारण अनेक बार कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। डॉक्टर एस के जैन एक ईमानदार, सफल तथा विश्वसनीय व्यक्तित्व हैं। आप मानव समाज के लिए एक वरदान हैं। डॉक्टर जैन के लंबे अनुभव का लाभ लाखों लोगों ने लिया है और अब बारी है आपकी। तो आइए स्वागत करते हैं मशहूर साइको सेक्सोलॉजिस्ट डॉक्टर एस के जैन साहब का। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम सेक्स एजुकेशन एंड योर करियर में। राइट। डॉक्टर साहब, हमारे पूर्वजों ने सेक्स शिक्षा के ऊपर बहुत सारी पुस्तकों की रचना की है, लेकिन आज भी समाज में सेक्स से जुड़ी काफी मिथ्स हैं, काफी भ्रांतियां हैं जो आगे चलकर बीमारियों का रूप ले लेती हैं। आज इन्हीं भ्रांतियों को मैं सवालों के रूप में आपके सामने रखूंगा अपने व्यूअर्स के। और इसमें सबसे पहला सवाल है डॉक्टर साहब कि ये जानना चाहते हैं कि अगर किसी के यूट्रस में
सूजन आ गई है और डॉक्टरों के अनुसार उसकी फिलोपियन ट्यूब भी बंद है, तो क्या वो बिना ऑपरेशन के माँ बन सकती हैं, जबकि इनके पति के सारे टेस्ट जो हैं वो नॉर्मल है? अगर पति के टेस्ट नॉर्मल हैं तो मैं समझता हूँ कि पेशेंट को ही समझना चाहिए कि देयर इज अ ग्रीन लाइट, देयर इज अ ग्रीन सिग्नल। और यदि कुछ डॉक्टरों के मतानुसार फेलोपिन ट्यूब्स बंद हैं तो काफी समय से आयुर्वेद के अंदर इतनी अच्छी अच्छी दवाइयां इन रोगों के उपचार के लिए हैं कि यदि समुचित महीने दो महीने इनकी चिकित्सा की जाए तो ये मां बन सकती हैं। और यदि टेस्ट नॉर्मल है तो फिर कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। डॉक्टर साहब अगला सवाल है, अगर ये जानना चाहते हैं अगर किसी व्यक्ति के अंदर शुक्राणु की कमी हो जाए तो क्या आयुर्वेद के माध्यम से इस कमी को दूर किया जा सकता है, और ऐसे व्यक्ति क्या आगे चलकर संतान का सुख प्राप्त कर सकता है? देखिए, जो स्पर्म संबंधी प्रॉब्लम होती है उसमें मेनली दो तरह की बीमारियां देखी गई हैं। एक होती है एजियोस्पर्मिया, जिसमें स्पर्म बिल्कुल नहीं होते हैं, और दूसरी होती है ओलिगोजियोस्पर्मिया, जिसके अंदर मात्रा कुछ होती है और कुछ को बाई द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोड्यूस किया जाता है। और चूंकि इस साइंस के अंदर काफी अच्छी अच्छी दवाइयां हैं, ऐसे काफी मरीज ठीक हुए हैं, लिहाजा मैं इनको भी यही सलाह दूंगा कि यदि ये आयुर्वेद के अनुसार समुचित चिकित्सा करें तो हिट कैन बी ऑल राइट। शुक्राणु की कमी जो है कोई ऐसा बड़ा समस्या नहीं है, कोई खास नहीं। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अक्सर ये दीवारों पर इश्तेहार आपको मिल जाएंगे कि शुक्राणु की कमी एक बार मिल तो लें, कि उस चीज को इतना बढ़ा चढ़ा के जो है पेश किया जाता है। मैं इस पर भी चाहूंगा कि आप थोड़ा दर्शकों को मार्गदर्शन कर दें। देखिये, इस बात को पहले भी काफी कुछ इस प्रेस्टिजियस चैनल के माध्यम से बताया गया है कि आज के युग में नीम हकीम खतरे जान वगैरह की कमी नहीं है, है ना। दे आर सो मेनी ऑफ द पर्संस जो अपने को डॉक्टर लिखते हैं लेकिन उनके पास में कोई ऑथेंटिक डिग्री नहीं है किसी मेडिकल यूनिवर्सिटी की, दैट्स व्हाई वो अपना कुछ दीवालबाजी या इश्तहारबाजी करते हैं। वी डैम केयर फॉर दैट। लेकिन जो चिकित्सा पद्धति अपने यहाँ बहुत ही प्रतिष्ठित तरीके से और अच्छे तरीके से उपयोग की जाती है, मैंने देखा है मरीजों में कामयाब है और काफी मरीज उससे ठीक होते हैं। जी हाँ, तो मैं आपको बताना चाहूंगा यदि आपकी भी कोई समस्या है तो आप एक क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाएं, नीम हकीम खतरे जान से बचें, क्योंकि क्वैक्स की आजकल जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि कमी नहीं है। और डॉक्टर साहब एक अगला सवाल है, ये है कि अगर एक कोई व्यक्ति एक लंबे समय से मास्टरबेशन कर रहा है तो क्या उसकी जो इरेक्शन पावर है क्या उसमें कोई कमी हो सकती है या खत्म हो सकती है, और क्या ऐसा व्यक्ति शादी का सुख प्राप्त कर सकता है? क्योंकि ऐसे लोगों को डर लगता है कि पता नहीं ये शादी के बाद जो है वो अपनी पत्नी को संतुष्ट कर पाएंगे या नहीं। जैसे मैंने आपको बताया कि हस्त मैथुन कोई बीमारी नहीं है, ये एक लत है, और यदि अत्यधिक मात्रा में की जाए तो ये बीमारी यू कैन से बीमारियां पैदा कर सकती है। लिहाजा इनको जहां तक इनके मन में ये भ्रांति है कि शायद इससे इरेक्शन खत्म हो जाएगा या मैं शादी का सुख नहीं उठा पाऊंगा, ऐसा नहीं है, ये शादी भी कर सकते हैं और इनको इरेक्शन पावर भी मिलेगी। हाँ, इतना अवश्य है कि यदि बाई दी वे चूंकि विद्वान लोग कहते हैं कि एक्सेस ऑफ द एवरीथिंग इज हार्मफुल, अति सर्वत्र वर्जित, लिहाजा अगर अति मात्रा में है तो अंगों में कुछ ना कुछ विकार पैदा होता है, जिसके लिए मैं ये चाहूंगा कि ये शादी के पूर्व अपनी प्री मैरिज काउंसलिंग कर लें, एक अपना चेकअप करवा लें, और यदि कहीं पे कोई कमी है तो उसको दूर कर लेने में मैं समझता हूँ कोई हर्ज नहीं है, बाद बाकी ज्यादा चिंता की आवश्यकता नहीं। मतलब ये एक वहम है जो एक दिमाग में या तो डल जाता है या फिर वही वाली बात कि इधर उधर से पढ़ पढ़ा के जहन में ओढ़ लिया जाता है कि ये मास्टरबेशन कर रहे हैं तो कोई समस्या है। आपके हिसाब से ये कोई समस्या नहीं है? हाँ, इसको एक लिमिटेड मात्रा में लिमिटेड करना चाहिए, तो अति जो है जैसे आपने कहा कि वो हर चीज की ज्यादा बुरी होती है। अगर आपकी भी कोई समस्या है या आपके जहन में कोई मिथ है, कोई भ्रांति है सेक्स से रिलेटेड, या आपको कोई समस्या है तो आप इस कार्यक्रम में जो है हमसे जुड़ सकते हैं, हमें सवाल पूछ सकते हैं। और अभी हम यहाँ पर छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद बहुत जल्द लौटेंगे। देखते रहिए सेक्स एजुकेशन एंड योर क्वेरीज। इस कार्यक्रम में अपना सवाल रिकॉर्ड कराने के लिए हमारा फोन नंबर है 09-366-0444। इसी नंबर पर आप हमें SMS भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल का पता है डॉक्टर SK जैन सॉल्यूशंस @gmail.com।
यदि आप डॉक्टर साहब से सीधा संपर्क करना चाहते हैं तो डॉक्टर साहब की लखनऊ की क्लिनिक का नंबर है 0522-400-4444। आज की इस दुनिया में जब जिंदगी बिखर रही है, बेपनाह तमन्नाएं हर दिशा में भटक रही हैं, आरजुएं बेकाबू हो रही हैं, तब कहां हैं हम? कहां हैं हमारे सपने? कहां है हमारी सेहत? जनाब, इसी तसव्वुर को सामने रखकर हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसी कामयाब शख्सियत से जिन्होंने सेक्स और जिंदगी, चाहत और सेहत को नई दिशा दी है। जी हाँ, हिंदुस्तान के मशहूर साइको सेक्सोलॉजिस्ट डॉक्टर एस के जैन। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हम तब तक अवेयर ही नहीं होते हैं जब तक कि हम मर्ज की पूरी गिरफ्त में नहीं आ जाते। सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन, भ्रांति तो मैं समझता हूँ यही है। डॉक्टर एस के जैन, जिन्होंने बर्लिंगटन क्लिनिक प्राइवेट लिमिटेड विधानसभा मार्ग लखनऊ को दिया एक नया आयाम, बल्कि पूरे भारतवर्ष और विदेशों से आए हुए मरीजों को अपनी यौन समस्याओं के लिए कामयाब इलाज पाने में न दूरी लगे न देरी। आज हमारे यहाँ पूरे भारतवर्ष से मरीज आते हैं और हम उन्हें वर्ल्ड क्लास ट्रीटमेंट देने की कोशिश करते हैं। साथ ही अनगिनत मरीज पूरी तरह से सेटिस्फाइड होकर जाते हैं। डॉक्टर नितिन रोगियों की मैरिज काउंसलिंग पर पूरा ध्यान देते हैं। डॉक्टर जैन का सपना है सेक्स संबंधी समस्याओं के लिए बेहतर इलाज का सही प्रबंध और मरीजों का धोखेबाजों और नीम हकीमों से बचा। इसी सपने का एक हकीकत रूप है सेक्स संबंधी किसी भी समस्या के विश्वसनीय एवं गोपनीय उपचार की सुविधा स्वयं डॉक्टर एस के जैन की देखरेख में यहाँ उपलब्ध है। सेहत, सेक्स और सुखी जीवन की आस, डॉक्टर एस के जैन का विश्वास। अगर आपकी सेक्सुअल जिंदगी ठहर जाए तो डॉक्टर एस के जैन की क्लिनिक पर आप दस्तक दीजिए। दरवाजा खुलेगा और आप पाएंगे खुशियों का गुलदस्ता लिए खड़ी है डॉक्टर एस के जैन की कुशल और क्वालिफाइड टीम। संपर्क करें बर्लिंगटन क्लिनिक प्राइवेट लिमिटेड, बर्लिंगटन क्रॉसिंग 28/A, विधानसभा मार्ग, लखनऊ। आप फोन कर सकते हैं इस नंबर पर 0522-400-4444। हमारे मोबाइल नंबर हैं 09935-109999 और 09935-562999। हमारा ईमेल आईडी है drskjainsolutions@gmail.com। इस कार्यक्रम में अपना सवाल रिकॉर्ड कराने के लिए हमारा फोन नंबर है 0993660-4444। इसी नंबर पर आप हमें SMS भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल का पता है drskjainsolutions@gmail.com। यदि आप डॉक्टर साहब से सीधा संपर्क करना चाहते हैं तो डॉक्टर साहब की लखनऊ की क्लिनिक का नंबर है 0522-400-4444। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं सेक्स एजुकेशन एंड योर क्वेरीज और हमारे साथ मशहूर साइको सेक्सोलॉजिस्ट डॉक्टर एस के जैन साहब आजकल हमारे स्टूडियो में हैं। और जैसा मैंने ब्रेक पे जाने से पहले आपसे कहा था कि अगर आपके मन में सेक्स से जुड़ी कोई भ्रांति है, कोई मिस है या कोई समस्या है तो आप हमें जरूर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, SMS कर सकते हैं, फोन कॉल भी कर सकते हैं। ब्रेक पे जाने से पहले हम मास्टरबेशन से जुड़ी मिथ यानी भ्रांति के बारे में बात कर रहे थे और डॉक्टर आइए एक और हमारे पास सवाल है। ये अधिकतर देखा गया कि बढ़ती उम्र में ऐसा देखा जाता है डॉक्टर साहब की इरेक्शन यानी तनाव जो है वो धीरे धीरे कम होने लगता है, लेकिन कई लोगों की ये समस्या है कि उन्होंने अपने से कम उम्र की लड़की से शादी की हुई होती है और बढ़ती उम्र के कारण जो उनका जो सेक्सुअल लाइफ है वो इतनी परफेक्ट नहीं होती, वो उसको संतुष्टि प्रदान एक दूसरे को नहीं कर पाते हैं। तो आप बताइए कि ऐसा कोई तरीका है, उपलब्ध है कोई ऐसी मेडिसिन उपलब्ध है जिससे कि इस तरह की जो समस्या है कि हस्बैंड और वाइफ में एज गैप बहुत है जिसको कि हम दूर कर सके, इस तरह की कोई मेडिसिन, इस तरह का कोई इलाज आपके आयुर्वेद में या एलोपैथ में है? एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो ताजे सर्वेक्षण हुए हैं या काफी इस विषय पे अनुसंधान हुआ है कि स्त्री और पुरुष
यानी पति और पत्नी के उम्र के फासले के बीच में अमूमन 2-4 साल का गैप होना चाहिए, जिससे कि वो अपने मानसिक स्तर पे, शारीरिक स्तर पे एक दूसरे के पैरेलल हों। यदि बाय द वे एज ग्रुप ज्यादा है तो बट नेचुरल है कि एक पार्टनर तो उठान पे है और दूसरा पार्टनर डे बाय डे डिटेरियरेट हो रहा है। तो मैं उसके लिए ये इनको सजेस्ट करूंगा, एडवाइज करूंगा कि सेक्स और सक्सेज एक दूसरे से काफी कुछ यूं समझी चोली दामन का साथ है। तो लिहाजा मतलब जो है वो यदि अच्छा सेक्स होगा तो जीवन में सक्सेज भी होगी, और यदि सक्सेज है और यदि ये सक्सेज चाहते भी हैं तो इनको प्रॉपर किसी क्वालिफाइड सेक्सोलॉजिस्ट से मिलके काउंसलिंग करनी चाहिए, अपनी बात को शेयर करना चाहिए बाई विच के उनको एक प्रॉपर उसका सोल्यूशन मिले। और यदि वो कोशिश कर लेंगे तो मैं समझता हूं कि भले ही एज डिफरेंस का गैप है लेकिन वो चीज मेंटेन हो सकती है। डॉक्टर क्या लगता है आपको कि क्या ये एक उनके ये मानसिक स्थिति है उनकी ऐसी, को ऐसा सोचते हैं कि एज डिफरेंस है या एक परफॉर्मेंस का प्रेशर है जिसके कारण जिसकी वजह से ये समस्या? नहीं, नॉट लाइक दैट। इसमें मतलब जो है वो सबसे मेन चीज तो ये है कि एक के अंदर मतलब जो है वो हार्मोन्स का प्रोडक्शन जारी है और एक के अंदर जारी तो है लेकिन वो कुछ कुछ कम हो रहा है अकॉर्डिंग टू द एज डिफरेंस। तो यह है कि यदि वो कोशिश करेंगे जी तो ही कैन बी ऑल राइट। जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल अगला सवाल लेते हैं डॉक्टर साहब। ये कहते हैं कि डॉक्टर साहब कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत साल हो चुके होते हैं शादी किए हुए फिर भी कोई संतान नहीं होती जी, तो इसका कारण क्या है? और ये कहते हैं कि जबकि इनके सारे टेस्ट जो है नॉर्मल हुए हैं, ऐसे में गलतफहमी लोगों के बीच में फैली हुई है कि इंटरकोर्स टाइम जो है वो कम होने के कारण संतान नहीं होती, तो क्या ये सच है? ऐसा नहीं है। अगर इंटरकोर्स टाइम कम भी है तो भी जहां तक मैंने देखा है कि मतलब इशू होने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, मतलब नो एनी प्रॉब्लम टाइम का इससे कोई रिलेशन ऐसा नहीं है। इसके लिए आई विल सजेस्ट कि मतलब जो वो अपने वाइफ को ये किसी प्रॉपर गायनेकोलॉजिस्ट से मतलब जो वो मिलके सलाह लें और ये खुद किसी भी अच्छे फिजिशियन के पास, डॉक्टर के पास जाके और ये उसे काउंसिल करते हैं, अपनी बात को रखते हैं उसके सामने के साथ, मेरे टेस्ट नॉर्मल हैं, तो आई थिंक मतलब जो वो क्वालिफाइड डॉक्टर बिल कैन बी डिटेक्ट। जी हाँ, मैं इसके पहले आपको एक बात बता दूं, मेरे पास काफी कपल्स आते हैं है ना, और जब उनको प्रॉपर काउंसिल किया जाता है तो उनमें प्रॉब्लम्स मिल जाती हैं और दे कैन बी ऑल राइट, वो ठीक हो जाते हैं। मतलब अक्सर काउंसलिंग से भी जो है बात बन जाती है, बहुत अच्छी बात बनती है। हो सकता है कि उसको इलाज की कोई जरूरत ही ना हो। ओके है, इट मे बी के मतलब उनके खाने पीने में कोई चीज मतलब न्यूट्रिशन में कोई चीज गलत जा रही हो है, या ज्यादा वाइन का सेवन करते हैं, ज्यादा स्मोक करते हैं, तो दे आर सो मेनी ऑफ द रीजंस, दे आर सो मेनी ऑफ द काजेज, इट कैन बी डिटेक्ट। बिल्कुल, तो अपने मन में ये ना पालिए कि कोई समस्या है। जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा कि काउंसलिंग से भी जो है फर्क पड़ सकता है, हो सकता है कि कोई समस्या हो ही ना, आप अपने अंदर की जो आपकी झिझक है उसको खत्म कीजिए, दूर कीजिए, निकलिए, डॉक्टर साहब से बात कीजिए और जरूर आपकी समस्या का समाधान होगा। और डॉक्टर साहब अगला सवाल लेते हैं। डॉक्टर साहब, कई लोगों की समस्या ऐसी दिखी जाती है कि उनका जो वीर्य पतन नहीं हो पाता है, तो क्या ये समस्या है, और अगर है तो ऐसा क्यों होता है और ये किस तरह दूर किया जा सकता है? देखिए, क्वेश्चन आपका जिन्होंने भी पूछा है ये बहुत ही अच्छा है, और मैं इसके बारे में केवल इतना ही कहना चाहूंगा कि वैसे तो इनकी रिपोर्ट्स को देखना बहुत ही आवश्यक है कि एक्चुअली प्रॉब्लम किस पॉइंट को लेके है, लेकिन जो अधिकांशता मेरे पास में मरीज आते हैं, मैंने देखा है कि जो लोग बचपन की नासमझी में कुछ जरों से ज्यादा अपने मतलब वीर को, सीमन को डिस्चार्ज कर देते हैं, कहीं पे पढ़ लिया किताब में, कहीं पे सुन लिया कि हस्त में तो नुकसानदायक नहीं है, और दिन भर में 6-8 सो मेनी ऑफ द टाइम्स कर रहे हैं, बट नेचुरल है कि उनमें आगे चल के लैक ऑफ सीमन यानी सीमन की कमी हो जाती है, और जब सीमन ही नहीं होगा तो वीर बात कैसे होगा। अच्छा, देयर आर ऑल्सो सो मेनी ऑफ द रीजंस के मतलब हो सकता है कि बहुत ज्यादा उसमें कंसंट्रेशन इतनी ज्यादा हो जी, है, जबकि कंसंट्रेशन होना कोई खराब बात नहीं है, अच्छी बात है, है, और अगर बाय द वे उसके अंदर डाइल्यूशन है तो वॉट एवर द सीमन हैव टू बी पास मतलब जो बाय द मिक्सिंग विद द यूरिन जी, है, तो एट द टाइम ऑफ एंजॉयमेंट दिस पोजिशन कैन बी के देयर हैव ब्लैक ऑफ सीमन के साथ भी डिस्चार्ज ही नहीं होता है।
तो परेशान ना हो, समझे ना, लग के अपना मतलब जो है वो किसी भी फिजिशियन से अपना प्रॉपर वे में इसके लिए काउंसिल करें, एडवाइज करें। और डॉक्टर साहब, इस जवाब के साथ आज के एपिसोड का भी समय यहाँ समाप्त हो रहा है। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपने दर्शकों को दी। डॉक्टर साहब, हर दूसरा तीसरा व्यक्ति किसी ना किसी वजह से, किसी ना किसी भ्रांति की वजह से, किसी ना किसी मिथ्स की वजह से बीमारी की तरफ बढ़ता जा रहा है। तो चलते चलते मैं चाहूंगा कि ऐसे लोगों के लिए जो कि अंदर ही अंदर अपनी समस्याओं को या मैं कहूंगा अपने मिथ्स को रखते हैं, उनके लिए आप कुछ कहना चाहेंगे? जी, मैं अपने प्यारे दर्शकों से केवल इतना ही गुजारिश करूंगा, कहूंगा कि किसी भी भ्रांति में आप ना पड़े, समुचित जानकारी रखिए और समय समय पे जीवन में एक्सरसाइज कीजिए, कुछ व्यायाम कीजिए, बैलेंस डाइट लीजिए। और अंत में इतना ही कहूंगा कि दो लाइनें कि संचय करना ज्ञान और सद्गुण अपनाना और निज शरीर को तुम्हें खूब है स्वस्थ बनाना। तो आप अपने शरीर को स्वस्थ बनाएं, जिंदगी में कामयाबी के शिखर की ओर बढ़ें, तरक्की करें, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, आपने सेक्स के बारे में इतनी जानकारी देकर वाकई हमारे दर्शकों को बहुत एजुकेट किया। और दर्शकों, आपको अगर समस्या है तो अपने अंदर मत रखिए, बाहर आइए, हमारे ये कार्यक्रम है, एक प्लेटफॉर्म है, अपने किसी विशेषज्ञ से मिलिए, या आप चाहते हैं कि इस कार्यक्रम में अपनी समस्या को शेयर करें तो आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, फोन कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, हम आपका अगर चाहेंगे तो नाम और पता गुप्त रखेंगे। आज की इस दुनिया में जब जिंदगी बिखर रही है, बेपनाह तमन्नाएं हर दिशा में भटक रही हैं, आरजुएं बेकाबू हो रही हैं, तब कहां हैं हम, कहां हैं हमारे सपने, कहां है हमारी सेहत? ये तलाश सिर्फ मेरी नहीं, आपकी, हम सबकी है। इस तलाश में मंजिलें कम, भटकाव ज्यादा हैं। तो कैसे मिले मंजिलों का पता, कैसे संवारें इस जिंदगी को, कैसे जवानी दें नए रूप में यौवन को? जनाब, इसी तसव्वुर को सामने रखकर हम आपसे मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसी कामयाब शख्सियत से जिन्होंने सेक्स और जिंदगी, चाहत और सेहत को नई दिशा दी है। डॉक्टर एस के जैन, हिंदुस्तान के मशहूर साइको सेक्सोलॉजिस्ट। डॉक्टर एस के जैन एक खानदानी डॉक्टर ही नहीं, आयुर्वेदिक एवं एलोपैथी दोनों विधाओं के एक कामयाब और क्वालिफाइड डॉक्टर हैं। आपने सन 1974 में लखनऊ विश्वविद्यालय से बैचलर ऑफ आयुर्वेदा विद मॉडर्न मेडिसिन एंड सर्जरी की उपाधि प्राप्त की। इसी के साथ आपने अपने टैलेंट और लगन के बलबूते पर लंदन से MRSH जैसी प्रतिष्ठित संस्था की सदस्यता प्राप्त की। तमाश बीनों से आपको बाखबर करने, नीम हकीम खतराए जान से आपका दामन बचाने और आपको सेहतमंद बनाए रखने के लिए सही सेक्स का खूबसूरत और आसान रास्ता दिखाने डॉक्टर एस के जैन अपने बर्लिंगटन क्लिनिक प्राइवेट लिमिटेड के जरिए आप तक पहुंच रहे हैं। इस क्लिनिक के द्वारा डॉक्टर जैन एक ही छत के नीचे प्राचीन और मॉडर्न टेक्नोलॉजी द्वारा आम लोगों को उनकी सेक्स समस्याओं से मुक्ति देते हैं। डॉक्टर जैन के पीछे मेहनतों का एक लंबा और खूबसूरत सिलसिला है और इसी सिलसिले को आगे बढ़ा रहे हैं उनके होनहार बेटे डॉक्टर सारांश जैन और उनकी समर्पित टीम। सेक्स से जुड़ी हर छोटी बड़ी समस्याओं का कॉन्फिडेंशियल इलाज करने में, जिंदगी को सेहतमंद बनाने में डॉक्टर एस के जैन को महारत हासिल है। सबसे महत्वपूर्ण चीज हमारे लिए ये है कि जो भी पेशेंट्स आते हैं यहाँ पे, उनकी बातें हमारे और पेशेंट के बीच में ही रहनी चाहिए, तो उसका हम पूरा ध्यान रखते हैं। इवन जो उनके रिकॉर्ड्स हमारे पास रहते हैं वो भी पूरी तरीके से कॉन्फिडेंशियल रखे जाते हैं। और जो पेशेंट्स को जो कार्ड हम रजिस्ट्रेशन कार्ड जो इशू करते हैं उसमें भी कुछ नाम नहीं रहता, उसमें केवल रजिस्ट्रेशन कोड रहता है, तो उनकी आइडेंटिटी केवल रजिस्ट्रेशन कोड के द्वारा ही निर्धारित होती है, ताकि बात जो है हमारे और उनके बीच में ही गुप्त रहे। बर्लिंगटन क्लिनिक प्राइवेट लिमिटेड,
जिनकी बुनियाद में है एक खानदानी तजर्बा, मेहनत, ईमानदारी, लगन, विश्वास, सफलता और कुशलता। तो आइए रूबरू होते हैं डॉक्टर एस के जैन से। सबसे ज्यादा गलत फहमियां आज सेक्सुअल प्रॉब्लम्स के साथ जुड़ी हुई हैं, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यह है कि लोग प्रॉब्लम होते हुए भी उसे नहीं मानते, या यूं कह लीजिए कि अपने को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, या शर्म संकोच बस अपनी बात कह नहीं पाते, या शायद उसे अपनी ईगो से जोड़ने लगते हैं। आयुर्वेदिक दवाओं के साथ साथ सामान्य व्यायाम से लोगों को चुस्ती फुर्ती देते हैं बर्लिंगटन क्लिनिक प्राइवेट लिमिटेड। बर्लिंगटन क्लिनिक प्राइवेट लिमिटेड बर्लिंगटन ग्रुप ऑफ मेडिकल रिसर्चेस की एक यूनिट है, जिसमें हमारे पास है एक बेहतरीन क्वालिफाइड कुशल टीम, जो कि अपने मरीजों को प्री एंड पोस्ट एजुकेट भी करती है, और हम लोग दवाइयों को केवल मैन्युफैक्चर ही नहीं करते बल्कि उनको अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में उनको ग्रो करते हैं, उगाते हैं, उसके बाद अपनी लेबोरेटरी में उनकी पूरी जांच पड़ताल करके उन दवाइयों का निर्माण करते हैं और उसे अपनी अपने मरीजों की सेवा के लिए उपलब्ध कराते हैं। समाज में सेक्स संबंधित तकलीफों से लोगों को मुक्त कर उन्हें आनंददायक जीवन लौटाने के लिए डॉक्टर एस के जैन को दुनिया के कई प्रतिष्ठित और शीर्ष पुरस्कारों से नवाजा गया है। इनके अलावा भी आपको देश विदेश के अनेक प्रतिष्ठित सम्मानों से अलंकृत किया गया है। हम तो बस इतना ही कहेंगे कि आप डॉक्टर एस के जैन के अनुभवों का लाभ उठाएं और सक्सेसफुली और सेक्सफुली जिंदगी जिएं, समझदारी से, होशियारी से। अगर आप डॉक्टर एस के जैन से संपर्क करना चाहते हैं तो हमारा पता है बर्लिंगटन क्लिनिक प्राइवेट लिमिटेड, बर्लिंगटन क्रॉसिंग, 28/A, विधानसभा मार्ग, लखनऊ। आप फोन कर सकते हैं इस नंबर पर 0522-400-4444। हमारे मोबाइल नंबर हैं 09935-109999 और 09935-562999। हमारा ईमेल आईडी है drskjainsolutions@gmail.com। इस कार्यक्रम में अपना सवाल रिकॉर्ड कराने के लिए हमारा फोन नंबर है 09936-04444। इसी नंबर पर आप हमें SMS भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल का पता है drskjainsolutions@gmail.com। यदि आप डॉक्टर साहब से सीधा संपर्क करना चाहते हैं तो डॉक्टर साहब की लखनऊ की क्लिनिक का नंबर है 05224004444। दोस्तों, आपने जाना डॉक्टर एस के जैन के बारे में। आज बस इतना ही इस एपिसोड में। कल अगले एपिसोड में आपकी और समस्याओं के साथ हाजिर होंगे। देखते रहिए सेक्स एजुकेशन एंड योर क्वेरीज। दुनिया जहां ने चाहे कितनी भी तरक्की क्यों ना कर ली हो, फिर भी आज सेक्स को एक हवा ही माना जाता है। सेक्स से संबंधित समस्याओं पर शर्म और संकोचवश कोई खुलकर बात ही नहीं करता, जिसकी वजह से उसका जीवन दिनों दिन अंधेरे में घिरता चला जाता है। इस अंधेरे में उजाले की किरण बनकर आपकी सेक्स संबंधी समस्याओं का समाधान करेंगे अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त यौन रोग विशेषज्ञ डॉक्टर एस के जैन। संचय करना ज्ञान और सद्गुण अपनाना, संचय करना ज्ञान और सद्गुण अपनाना और निज शरीर को तुम्हें खूब है स्वस्थ बनाना। देखिए सेक्स एजुकेशन एंड योर क्वेरीज रोजाना। यौन रोगों से मुक्ति मिली है, जीवन में सुख शांति मिली है,
बर्लिंगटन क्लिनिक याद रहेगी, जिससे जीवन को नई दिशा मिली है। डॉक्टर एस के जैन्स बर्लिंगटन क्लिनिक लखनऊ से तो आप वाकिफ ही हैं। जिंदगी के कल के वे हसीन पल बने रहेंगे आज और बने रहेंगे कल। जीवन की फिर एक नई शुरुआत डॉक्टर एस के